अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद के महीने के नियम क्या हैं और भाद्रपद के महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें, कच्चे फल, कच्ची सब्जी, ये सब खाने से परहेज करना चाहिए। दही का प्रयोग भाद्रपद महीने में नहीं होता, तो दही का प्रयोग भाद्रपद महीने में करना पूरी तरह से वर्जित है। इस महीने में चूंकि मौसम अजीब तरह से बदलता है, इसीलिए इस महीने में रक्तचाप बढ़ने की, ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है, जिसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। भाद्रपद के महीने में आलस्य बहुत होता है, इसीलिए इस महीने में शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए, दोनों समय शीतल जल से नहाना बेहतर होगा। भगवान कृष्ण को भाद्रपद के महीने में तुलसी दल अर्पित करना और तुलसी दल को, तुलसी के पत्ते को चाय या दूध में उबाल करके पीना अच्छा होगा। सीधे सीधे तुलसी के पत्ते ग्रहण मत करिएगा, उसको चाय में, दूध में या पानी में उबाल करके अगर आप तुलसी के पत्तों का सेवन करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, भाद्रपद का महीना लोग समझते हैं कि भादो का महीना है, अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता, लेकिन भाद्रपद के महीने में आपको ईश्वर की कृपा मिल सकती है और आपके पापों का प्रायश्चित हो सकता है। भाद्रपद के महीने में कौन कौन से व्रत आते हैं और कौन कौन से त्योहार आते हैं, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का बड़ा पर्व और गणेश महोत्सव का लंबा पर्व आता है। इस महीने में भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस महीने में, भाद्रपद के महीने में भगवान गणेश की विशेष पूजा की जाती है। इसी महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, बलराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं और भगवती राधा का जन्मोत्सव भी भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। इसी महीने में महिलाओं के सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज भी आती है और हरितालिका तीज भी महिलाएं मनाती हैं। इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व अनंत चतुर्दशी भी आता है, जिस दिन नारायण की पूजा करके विशेष तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं। तो भाद्रपद में पहले आप भगवान कृष्ण की पूजा करिए कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में भगवान गणेश की पूजा करिए। निरंतर अगर आप ऐसा करते हैं भाद्रपद के महीने में तो आपका कल्याण अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।